स्पेक्ट्रम कोबरा और बहुत ही सर्वा फूं कर रहा था हो ये अपना नाम बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SMP पंडित जी में। जैसा कि इस बच्चे को परसों स्पेक्ट्रम कोबरा ने बाइट कर दिया था, बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे, 2 दिन एडमिट था बच्चा और आज बिल्कुल स्वस्थ होकर बच्चा आ गया है। हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि स्नैक बाइट के तुरंत बाद हॉस्पिटल गए, किसी भी तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े हैं, जिसके लिए आज बच्चा बहुत स्वस्थ हो गया है। हम इन घर वालों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस बच्चे की जान बचाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो इनके परिवार वालों को जाता है। और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, चल के देखते हैं सांप कहाँ छिपा है और उसको निकाल के बाहर लेके आएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आइए देखते हैं सांप कहाँ छिपा है। ये देखिए सांप यहाँ छिपा पड़ा है, ये देखिए स्पेक्ट्रम कोबरा है और काफी जहरीला है। हमारे भारत देश का दूसरा सबसे जहरीला सांप है, इसको निकालेंगे। इसको यहाँ रहना उचित नहीं है। बच्चे को बाइट हो गया था जिसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे और 2 दिन से सांप यहीं पड़ा है और इसको निकालते हैं, ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ते हैं। वीडियो में बने रहिए। ये देखिए स्पेक्ट्रम कोबरा और बहुत ही खतरनाक तरीके से काटा है बच्चे को और यही सांप है, इसको पहचान लीजिए। कभी भी ये सांप काटे आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, किसी भी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसे किसी भी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मौत निश्चित है। और इसको निकालते हैं, इसको ले चलते हैं, लोगों के सामने दिखाएंगे। इसको देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है बाहर। चलिए इसको निकालते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको निकालते हैं और ले चलते हैं बाहर, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ये हमारे भारत देश का सबसे जहरीला सांप है और ये देखिए ये है। आप बताइए क्या सामान है। ये देखिए भारतीय भाषा में नाग, कहीं कहीं गंगन, पिटार, पलटू और कहीं कहीं गोखुरा के नाम से जाना जाता है। इसी सांप ने बच्चे को काटा था जिसकी वजह से बच्चा 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था और आज बच्चे को लेकर आए हैं यहाँ पे। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और ये सांप को पहचान लीजिए। कभी भी ये सांप काटे आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, किसी भी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका मौत निहार, कहीं कहीं पलटू के नाम से भी जाना जाता है। काटे बिना समय गवाए आप सीधा हॉस्पिटल जाए। नाम है स्पेक्ट्रम कोबरा। और एक सांप और मेरे पास, इसको पहचान लीजिए, ये है कॉमन करैक स्पेक्ट्रम कोबरा। इन दोनों सांपों के काटने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल के अलावा अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपका मौत निश्चित है, इसलिए कभी इन दोनों सांपों को पहचान लीजिए। अपने ज्यादातर पूर्वांचल में मौत के जिम्मेदार यही 2 सांप है और ज्यादातर सांप जो पाए जाते हैं वो बिना जहर के होते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ये ऐसा सांप दिखे ये कॉमन करैक और स्पेक्ट्रम कोबरा, तो आप लोग दूरी बना लें और इसको मारे ना, इसको बचाएं। इसको बचाने के लिए हमारी टीम काम करती है, कभी भी हमारा सेवा निःशुल्क है। किसी के यहाँ भी सांप दिखे हम लोग फ्री में जाते हैं, उनके घर पर पकड़ते हैं, ले जाके इसको अनुकूलित वातावरण में छोड़ देते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SMP पंडित जी, SMP पंडित जी के नाम से YouTube चैनल है। आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें आपको नंबर मिलेगा, कभी भी आपके यहाँ सांप निकले आप हमको बुलाइए, निःशुल्क हमारी सर्विस है। हम आपके यहाँ आएंगे, पकड़ेंगे, ले जाके इसके अनुकूल वातावरण में छोड़ देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ से एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया, जो कि उनके बच्चे को बाइट कर लिया था। चलिए इनसे सारी वारदात जानेंगे, कब सांप देखा गया था, सांप कब बाइट किया था, इसके बाद उन्होंने क्या किया, प्राथमिक उपचार क्या किया भैया जी ने, बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। सांप ने बच्चों को काटा, उसके बाद हमने देखा ड्राम भी हटाया, उसके बाद देखा जैसे लटका था, तुरंत मैं देखा, तुरंत लाइफ भागा हॉस्पिटल, डॉक्टर में सदर हॉस्पिटल गया था जी, सदर हॉस्पिटल गया था, और नर्स ने जवाब दे दिया, बोली कि लेकिन भाग जाओ, तो डॉक्टर ने बोला नहीं तुम मत भागो, मैं इसको ठीक करूंगा। सदर में ही? हाँ, सदर में। सदर में देख लीजिए, सुन लीजिए भैया, सदर गए थे, सदर में गया, सदर में कहा डॉक्टर अपना सही ठीक किया बच्चे को जी, सदर हॉस्पिटल देख लीजिए, कभी भी सरकारी हॉस्पिटल जाए सांप काटे सिर्फ सिर्फ सदर जाए, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होते तो क्या होता, तो बच्चा हाथ से निकल जाता, बच्चा हाथ से निकल जाता। भैया अपना नाम बता देंगे? हमारा नाम बैजनाथ सागर प्रजापति सलारपुर, सलारपुर ग्राम, ग्राम सलारपुर, ग्राम पोस्ट, पोस्ट पोस्ट बिजुर्गा, जिला जौनपुर। देख लीजिए सारी वारदात आप लोग के सामने है, कभी भी सांप काटे ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना है, जौनपुर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल।